ये लोग जो है संघी लोग हैं, और संघी लोग अभी मोहन भागवत कुछ दिन पहले मन से कह रहा था कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, जो मुसलमानों को गलत कहता है वो हिंदू नहीं, ऐसी बात आप लोगों ने कुछ दिन सुना है, और शाखा में चले जाइए तो मुसलमानों के प्रति जहर उगला जाता है। तो इन लोगों का जो दोहरा चरित्र है, चाहे वो बुधवारकर, सावरकर, आरएसएस बजरंग दल या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यति नरसिंहानंद कह रहा है कि मैं छत्तीसगढ़ में जाके मुख्यमंत्री के आवास के सामने मैं आमरण अनशन करूंगा। जो व्यक्ति कुछ दिन पहले हाथ में तलवार का बात करता था, कहता था हाथ में तलवार लेके इस्लाम का समापन करो, मुसलमानों का कत्लेआम करो, गेरुआ वस्त्र पहन के और इतना बड़ा तिलक करके भाषण देने से कोई साधु संत नहीं हो जाता। जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, वे लोग जो नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, वे लोग साधु होते हैं। कि गांधी गंदगी है, ये सारे के सारे आतंकवादी और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ क्या कहता है पता है? तो पुष्पेंद्र सुन, अगर औकात है तो मेरे से डिबेट आमने सामने डिबेट आ जा, इसलिए 55 करोड़ दे देना उचित है। महात्मा गांधी ने यही बात पटेल को बताया, तो उसमें मांग था कि ये चाहते थे कि दिल्ली में या देश में कहीं भी दंगे ना हो, और खासकर दिल्ली में भारत में आके दूसरा रूप, विदेश में दूसरा रूप, ऐसा दोहरा चेहरा लेके मोदी जी कब तक राज करेंगे। एक गाना था, ये पब्लिक है सब जानती है, तो पब्लिक है सब जानती है, कुछ छुपा नहीं है, और झूठ का पैर नहीं होता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों आप लोग कालीचरण महाराज का नाम सुने होंगे, यति नरसिंहानंद जैसा एक नफरती जिसने छत्तीसगढ़ के धर्म संसद में महात्मा गांधी को हरामी नामक शब्द से इसने यूज किया, और गोडसे को ये कह रहा है, गोडसे को नमस्कार है। तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि कालीचरण महाराज या कि यति नरसिंहानंद जैसे नफरतियों को साहस और हिम्मत कहां से मिलती है कि देश के राष्ट्रपिता को इतने बुरे शब्दों का प्रयोग करें? ये प्रेरणा इनको मिलती है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। आपको बता दूं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, या विदेश के किसी भी देश में जाते हैं, तो मन से क्या कहते हैं पता है? मैं गांधी की जमीन से आया हूं, मैं उस देश से आया हूं जिस देश में महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा को लेके चले थे। तो गांधी के देश से आया हूं ये बताने वाले प्रधानमंत्री को, जो हरिद्वार में इतना बड़ा नरसंहार का पुकार किया गया, जो पूरे विश्व में एक खबर बना हुआ है, ये कालीचरण ने महात्मा गांधी को धर्म संसद में एक धारामी तक शब्द का प्रयोग कर दिया, ये पूरे विश्व का एक खबर बना हुआ है। क्या नरेंद्र मोदी जी का एक भी ट्वीट आया क्या? क्या नरेंद्र मोदी जी का एक भी भाषण में इसके ऊपर रिएक्शन आया क्या? रिएक्शन नहीं आया। क्यों नहीं आया आप बात समझिए। ये लोग जो है संघी लोग हैं, और संघी लोग अभी मोहन भागवत कुछ दिन पहले मन से कह रहा था कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, जो मुसलमानों को गलत कहता है वो हिंदू नहीं, ऐसी बात आप लोगों ने कुछ दिन सुना है, और शाखा में चले जाइए तो मुसलमानों के प्रति जहर उगला जाता है। तो इन लोगों का जो दोहरा चरित्र है, चाहे वो बुधवारकर, सावरकर, आरएसएस बजरंग दल या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन लोगों का जो दोहरा चरित्र है, वो दोहरा चरित्र आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि जिस मुद्दे को पूरे विश्व ने एक ऐसा खबर बना दिया जो चर्चे में है पूरे विश्व में, और उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का ना एक ट्वीट आता है और ना ही एक बार वो किसी भी मंच से कोसते हैं कि यह बात गलत है। आइए जानते हैं यति नरसिंहानंद इस पे क्या कहा है। यति नरसिंहानंद कह रहा है कि मैं छत्तीसगढ़ में जाके मुख्यमंत्री के आवास के सामने मैं आमरण अनशन करूंगा। जो व्यक्ति कुछ दिन पहले हाथ में तलवार का बात करता था, कहता था हाथ में तलवार लेके इस्लाम का समापन करो, मुसलमानों का कत्लेआम करो, वैसा आदमी आज आमरण अनशन की क्यों बात करने लगा? ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार है कांग्रेस की, और वहां पे नकली हिंदुओं की बहुत बुरी तरह से फजीयत होती है। अगर नकली हिंदू निकल गए, हिंसक नफरतें निकल गए, क्योंकि वे छत्तीसगढ़ या पूरे ऑल ओवर इंडिया में, मैं कह रहा हूं कि साधु संत कौन होता है ये जान लीजिए, गेरुआ वस्त्र पहन के और इतना बड़ा तिलक करके भाषण देने
देने से कोई साधु संत नहीं हो जाता। साधु वो होता है जो प्रेम की बात करता है, साधु वो होता है जो करुणा की बात करता है, जो दया की बात करता है, जो सेवा की बात करता है, जो न्यायप्रिय बात करता है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। वे लोग जो नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं वे लोग साधु होते हैं। इन लोगों को आप महंत और साधु समझ के आप लोग जो है डिविएट मत होइए मेरे दोस्तों। तो यति नरसिंहानंद ने भी गांधी बोला, उनका तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन गांधी नामक गंदगी की वजह से, तो गांधी जी गंदगी है। तो ये पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ का चेला यति नरसिंहानंद कालीचरण, ये दोनों लोग उसी से ज्ञान लिए हैं कि गांधी गंदगी है। ये सारे के सारे आतंकवादी, और पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ क्या कहता है पता है? ये कहता है कि गांधी अनशन किए थे कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाए और उसी के लिए गोरसे ने इनको कत्ल कर दिया, पाकिस्तान प्रेमी हो गए थे। और ये कहता है कि क्यों गांधी को मारा, तो पुष्पेंद्र सुन, अगर औकात है तो मेरे से डिबेट, आमने सामने डिबेट आ जा और मैं तुझको बताऊंगा। बीच में दोस्तों आप लोगों को बता दूं ये क्या मामला है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारने के पहले भी, 1948 के पहले भी, बहुत 5-7 साल पहले से प्रयास कर रहा था और पंचगनी पे महात्मा गांधी पे हमला किया था। महात्मा गांधी ने तब नाथूराम गोडसे को इनवाइट किया था कि आए और बात करें कि मेरे से क्या दुश्मनी है कि मुझे वो मारना चाहता है। तो इन लोगों के पास तो अगर भला आदमी रहता तब जाता और बोलता कि देवता समान आदमी पे हाथ उठ गया, गलती हो गई। ये तो आतंकवादी पीछे, देश का पहला आतंकवादी गोडसे था, तो इस आतंकी को जाके वहां माफी तो मांगना नहीं था। इस आतंकी ने गया नहीं और बाद में महात्मा गांधी को गोलियों से छलनी कर दिया। अब मामला जानिए क्या है। पाकिस्तान और भारत का जब बंटवारा हुआ तो केवल संपत्ति का ही बंटवारा नहीं हुआ, जनसंख्या का ही बंटवारा नहीं हुआ, जमीन का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि पैसे का भी बंटवारा हुआ। और उस वक्त भारत के रिजर्व बैंक के पास टोटल 400 करोड़ रुपए थे। 400 करोड़ रुपए में सभी प्रॉपर्टी में 80 और 20 का अनुपात लगा था, तो 80 करोड़ पाकिस्तान का हो रहा था। लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, इसमें विवेचना होगी, और 3 पाकिस्तान से और 3 हिंदुस्तान से एक कमेटी लोगों का बना था, उन लोगों ने फैसला दिया कि 75 करोड़ रुपए जो है भारत को पाकिस्तान को देने। 75 करोड़ में 20 करोड़ रुपया भारत ने आजादी के साथ साथ पाकिस्तान को सौंप दिया। उसके साथ एक अग्रीमेंट कर दिया कि ये भी 55 करोड़ रुपए हम लोग लौटा देंगे। जब 55 करोड़ रुपए अब लौटाने की बात आई, 6 जनवरी 1948 में पाकिस्तान ने डिमांड किया, तो नेहरू, पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये लोग बैठ के मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम लोग पाकिस्तान को 55 करोड़ नहीं देंगे, अगर 55 करोड़ देंगे तो पाकिस्तान हमारे खिलाफ हथियार खरीद के हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। ये बात महात्मा गांधी को पता तक भी नहीं है। महात्मा गांधी को ये उस पे बता रहे हैं, जो सिग्नेचर हुआ था 55 करोड़ देने में, उसमें नेहरू और पटेल का सिग्नेचर था, गांधी जी का सिग्नेचर तक नहीं था। जब लॉर्ड माउंटबेटन को नेहरू और पटेल ने जाके ये बात बताया, तो लॉर्ड माउंटबेटन उसके बाद महात्मा गांधी से मिले और महात्मा गांधी को बोले कि नेहरू और पटेल आए थे और वे लोग बोल के गए कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया हम लोग नहीं देंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि इस पे आपका क्या राय है? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, मेरा राय यह है कि भारत देश अलग होने के बाद पहला समझौता है और यह समझौता टूट जाएगा तो भारत देश का पूरे विश्व में फजीहत होगी, और फजीहत नहीं बल्कि पाकिस्तान यूएन में चल जाएगा और यूएन में फैसला होगा और फैसला के तहत 55 करोड़ देना पड़ेगा और 55 करोड़ देना जाएगा तो एक फजीहत तो होगी, बेइज्जती तो होगी, पैसा देना भी पड़ेगा और बेइज्जती भी होगी, इसलिए 55 करोड़ दे देना उचित है। महात्मा गांधी ने यही बात पटेल को बताया। पटेल ने फिर 15 जनवरी 1948 को मीटिंग रखा और मीटिंग में इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये पैसे पाकिस्तान को दे देने हैं, और पटेल ने ये कहा कि गांधी जी दूर तक देखते हैं और इसलिए 55 करोड़ रुपए हम लोग दे रहे हैं। 55 करोड़ रुपए दे दिया गया। अब महात्मा गांधी देखिए अनशन पे किस लिए बैठे थे और कब बैठे थे। महात्मा गांधी ने अनशन शुरू किया 12 जनवरी को, 11 जनवरी को मौन व्रत रहते थे, 12 जनवरी से शुरू किया, और उन्होंने जो अपना लेटर लिखा कि
कि उनकी क्या क्या मांगे हैं, तो उसमें मांग था कि ये चाहते थे कि दिल्ली में या देश में कहीं भी दंगे ना हो, और खासकर दिल्ली में ये चाहते थे कि इनको इंश्योर किया जाए कि हिंदू मुस्लिम एक है और संप्रदाय प्रेम है, संप्रदाय हिंसा नहीं होगा। इस बात के लिए जब 15 तारीख को जब 55 करोड़ दे दिया गया तो महात्मा गांधी को तो अनशन से तोड़ देना चाहिए, भूखंड तोड़ देना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी ने भूखंड तोड़ा नहीं। क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि वो 55 करोड़ के लिए भूख हड़ताल में थे ही नहीं। 55 करोड़ तो एक नैतिकता के आधार पर बात हो रही थी, 55 करोड़ का बात ही नहीं था। 15 को पैसा दे दिया गया, 16, 17, 18 को जाके इन्होंने अनशन तोड़ा। और अनशन कब तोड़ा? जब राजेंद्र प्रसाद और ये जो है पटेल जी, ये सब जो है दिल्ली में बहुत सारे धर्म के लोगों के संस्थाओं को बुलाए और बोले कि तुम लोगों को हिंदू मुस्लिम एकता का जो है देना है, इंश्योर करना है, और महात्मा गांधी भूखे मर जाएंगे अगर हिंदू मुस्लिम एकता नहीं हुआ तो, इसलिए तुम लोग साइन करो। तो मुस्लिम लोगों के तमाम संगठन के जो लीडर थे साइन किए कि हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे। हिंदू संगठन भी साइन किए, और साइन करने के बाद जब महात्मा गांधी को 18 तारीख को दिया गया, उन्होंने देखा कि हाँ मुझे इंश्योर कर दिया गया है, इसमें तमाम धर्म संगठन जो इस्लाम और हिंदुइज्म और अन्य धर्मों के भी हैं, तो महात्मा गांधी ने अपना आवरण अनशन तोड़ा। तो ये लोग जो कहते हैं कि 55 करोड़, ये 55 करोड़ की बात जो है आप समझ जाइए पूरी की पूरी झूठी बात है। उसके लिए महात्मा गांधी आमरण अनशन पे गए ही नहीं थे। अब देखिए यति नरसिंहानंद को देख लिए, पुष्पेंद्र को आपने देख लिया, कालीचरण को देख लिया, और ऐसे तमाम नफरती और भी पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग वही कर रहे हैं जो मोदी जी संघ ये सब जो चाह रहा है, ये लोग यही कर रहे हैं। नहीं तो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी जी को जरूर एक बार ट्वीट करना चाहिए, जरूर एक बार बातें करना चाहिए। एक विदेश में जाके केवल गांधी और बुद्ध की धरती से हूं कहने से काम नहीं चलेगा, और भारत में आके कपड़े से पहचाने जाते हैं दंगाई, भारत में आके दूसरा रूप, विदेश में दूसरा रूप, ऐसा दोहरा चेहरा लेके मोदी जी कब तक राज करेंगे? एक गाना था, ये पब्लिक है सब जानती है, तो पब्लिक है सब जानती है, कुछ छुपा नहीं है, और झूठ का पैर नहीं होता है। सत्य जो है, इतिहास लाख बदलने का कोशिश करिए, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों के बीच में यही बात लेके आया था। आप लोगों का कोई भी सुझाव हो, कोई भी बात हो, तो आप लोग भी अपनी बातें इसमें क्वेश्चन करिए, मैं उसका जवाब दे